हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं इस वीडियो में एमपी फॉरेस्ट गार्ड का टॉप 2023। तो फ्रेंड्स, जैसे कि जो एग्जाम चल रहा है और एग्जाम 25 मई से स्टार्ट हुए थे, जो 20 जून तक एग्जाम चलने वाले हैं, तो फ्रेंड्स बता दें उनका कट ऑफ क्या रहने वाला है, स्टूडेंटों का क्या स्कोर आ रहा है और फ्रेंड्स कितना सेम स्कोर आएगा, कितने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो सब कुछ इस वीडियो में। तो फ्रेंड वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें और आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपकी जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, सेफ स्कोर क्या रहेगा, उसके बाद आपकी जो आंसर की है कब तक देखने को मिलेगी, सब कुछ इस वीडियो में, तो बने रहे लास्ट तक। चलिए बात करते हैं एमपी फॉरेस्ट गार्ड कट ऑफ 2023। ओके फ्रेंड्स, इतने नंबर है तो सिलेक्शन पक्का। ओके फ्रेंड्स, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स आपको बता दें कि मैंने ये जो पोल किया था 10 दिन पहले एग्जाम रिव्यू पॉइंट ए चैनल पर मैंने एक पोल डाला था, तो पोल में पहले तो आप फ्रेंड्स जो आंसर आए वो 1200 लोगों ने यहाँ पर अपना आंसर दिया कि जिन लोगों का एग्जाम थे उन लोगों ने अपना 1.2 के आंसर दिए कि उनका क्या स्कोर रहा है, जिन लोगों ने अटेम्प्ट किए इतने अटेम्प्ट किए इतने क्वेश्चन इतने नंबर आए हैं उनके। तो फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे कि पोल में डाला गया था एमपी फॉरेस्ट गार्ड में आपका स्कोर क्या रहा है, पोल करें सब लोग। तो फ्रेंड जिन लोगों का एग्जाम था उन लोगों ने पोल किया, तो बात करते हैं फ्रेंड, जैसे कि 16% ऐसे हैं जिन्होंने 70 से 80 के बीच में नंबर लेके आए हैं और 40% ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 60 से 70 नंबर के बीच में नंबर लेके आए हैं और 50 से 60 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 14% हैं। और बात करते हैं 17% ऐसे हैं जो 40 से 50 नंबर लेके आए हैं और 7% स्टूडेंट ऐसे हैं जो 80 से 90 लेके आए हैं नंबर। ओके, तो फ्रेंड्स ओवरऑल बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आपका स्कोर रहा है वो 60 से 70 के बीच में रहा है, यानी कि 50% आपका स्कोर 60 से 70 के बीच में स्कोर रहा है। इस हिसाब से मैं बात करूँ जैसे कि फ्रेंड यही स्कोर बन पा रहा था स्टूडेंटों का, क्योंकि फ्रेंड देखिए बात करते हैं यहाँ पर इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे कि मैथ में स्टूडेंट बना पा रहा था, मैथ में से बना रहा था, इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, जीके में बन रहे थे क्वेश्चन आराम से। बात करते हैं फ्रेंड्स हिंदी में क्वेश्चन नॉर्मल देखो बन रहे थे और साइंस में क्वेश्चन देखने को मिले थे, और जिन लोगों की इंग्लिश वीक थी उस हिसाब से जो क्वेश्चन बन रहे थे वो 60 से 70 नंबर स्टूडेंटों के आ रहे थे। और मैंने ऐसा नहीं कि मैंने एनालिसिस रिव्यू किया है तो उनको बताया, मैंने पूछा था कि आपका हाईएस्ट नंबर क्या आ रहा है, मतलब आपके क्लास में टॉपर के कितने नंबर है सबसे ज़्यादा, उस हिसाब से वो बता रहे थे कोई की 60 है कोई की 65 है, इतने इतने हाईएस्ट हैं और जहाँ तक के नंबर देखने को मिल रहे थे 45 50 55, ये नॉर्मल स्टूडेंटों के नंबर मिल रहे थे जो नॉर्मल तैयारी चल रही है, और जिनकी थोड़ी अच्छी तैयारी है उनके नंबर 60 से 70 के बीच में नंबर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड अब बात करते हैं आपकी कट ऑफ क्या रहेगी और आपको सेफ स्कोर क्या रहेगा और इतने पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद फ्रेंड्स आपको बताएगी आपकी जो आंसर की है कब तक आपको देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड चलिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर एमपी फॉरेस्ट गार्ड कट ऑफ। तो फ्रेंड सबसे पहले तो आपको बता दें कि जनरल जनरल कैटेगरी कट ऑफ में आपके जैसे कि नंबर 72 से 74 के बीच में है, यानी कि 70+ नंबर है 72 से 74, तो आपको जनरल कैटेगरी की मेल या फीमेल कोई भी हो उनका सिलेक्शन पक्का है, इतने नंबरों पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स 72 से 74 के बीच में है। ओके फ्रेंड्स, बात करते हैं ओबीसी कैटेगरी की। तो ओबीसी कैटेगरी की बात करते हैं फ्रेंड, उनके नंबर अगर 70 से 72 के बीच में है, ओबीसी कैटेगरी की मेल या फीमेल कोई भी हो 70 से 72 के बीच में है, तो उनका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा। क्या फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा 70 से 72 के बीच में है, क्या फ्रेंड्स 70 भी नंबर है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा इतने नंबरों पर। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के जो नंबर है वो 68 से 70 के बीच में अगर इनके नंबर है तो उनका फाइनल सिलेक्शन देखने को मिल जाएगा, इनके इतने नंबर पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा फ्रेंड्स। और एससी कैटेगरी की बात कर रहे हैं तो 66 से 70 के बीच में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, 66 से 70 के बीच में इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड, जैसे कि एसटी कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, मतलब कि एसटी कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, तो फ्रेंड एसटी किस में बिलोंग करेंगे? तो फ्रेंड जैसे कि एसटी की सीट नहीं है तो एसटी सीधी जनरल में बिलोंग करेंगे, एसटी का सीधा सेफ स्कोर क्या हो जाएगा जनरल, जो 72 से 74 के बीच में होगा। अब फ्रेंड्स बात करते हैं जैसे कि फीमेल की। तो फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं है,
काउंट होंगे उनके नंबरों के आधार पर कि उनके नंबर क्या है, उस हिसाब से उनका सिलेक्शन होगा। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ए स्कोर है आपका कोई भी कैटेगरी की, मेल मतलब कोई भी कैटेगरी की, जैसे कि फीमेल है, एस सी एस टी जनरल ओबीसी, अगर उनके नंबर 70 है तो उनका फाइनल सिलेक्शन है। कोई भी कैटेगरी की हैं, अगर उनका 70 स्कोर है तो उनका फाइनल सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, इतने नंबर पर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फ्रेंड बात करते हैं, जैसे कि फीमेल के कोई, फीमेल की कोई वैकेंसी नहीं थी वो, लेकिन टोटल वैकेंसी के आधार पर काउंट किया जाएगा, और जो वैकेंसी थी उनमें काउंट होगा, अगर उनके नंबर 70 आ रहा है तो उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इतने पर स्टूडेंटों का क्या फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। तो फ्रेंड्स हाँ, इतने पर फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा अगर इतने नंबर हैं उनके, क्योंकि फ्रेंड्स बात करते हैं, जैसे कि स्टूडेंट मैथ में आराम से नॉर्मल से 25 में से 22 से 23 क्वेश्चन बना पा रहा था, मैथ एकदम नॉर्मल पूछा जा रहा है। और बात करते हैं फ्रेंड हिंदी में भी 22 से 23 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। बात करते हैं फ्रेंड जीके में कोई 10 तो कोई 15 क्वेश्चन बना रहा था नॉर्मल। अब बात करते हैं फ्रेंड्स क्या है इंग्लिश, अगर जिनकी इंग्लिश अच्छी है तो उनका सिलेक्शन फाइनल है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मैथ है इंग्लिश का, किसका मैथ है इंग्लिश का। अगर उनके जैसे कि 25 में से 15 नंबर भी इंग्लिश में आते हैं तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि फ्रेंड्स ऐसा स्कोर है कि ये नंबर मिला के बनना है स्कोर 65 से 70 के बीच में, अगर तुक्का भी लगाते हैं तो 4 से 5 क्वेश्चन सही हो जाते हैं, तो फ्रेंड्स ए स्कोर पर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आपके आंसर की कब आएगी, आपकी आंसर की कब देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स आपको बता दें, जब आपकी आंसर की, जैसे कि आपकी 25 मई से आपका जो एग्जाम स्टार्ट हो चुका था, और कब तक होगा तो 20 जून तक आपको एग्जाम देखने को मिलेगा, 20 जून तक आपका एग्जाम चलेगा। तो एग्जाम के तीन से चार दिन बाद आपकी आंसर की देखने को मिलेगी, 3 से 4 दिन बाद आंसर की देखने को मिलेगी, और आप उसमें देखना आपके कौन से क्वेश्चन गलत हुए कौन से सही हुए। उसके बाद फ्रेंड्स आप जैसे कि कोई क्वेश्चन गलत है तो आप उस पर रेट लगा सकते हो, एक क्वेश्चन पर रेट लगाने के 50 रुपये लगते हैं, तो क्वेश्चन को नॉर्मल जो गलत है आप उस पर रेट लगा सकते हैं, अगर वो क्वेश्चन गलत है तो आपको 50 रुपये वापस मिलेंगे और आपको एक नंबर बढ़ा दिया जाएगा। और फ्रेंड जो जो आपकी आंसर की रहती है वो 7 दिनों तक रहती है, 7 दिनों के बाद वो गायब हो जाती है, लिंक बंद हो जाती है। तो फ्रेंड 7 दिनों तक वो लिंक एक्टिव रहती है, तो 7 दिन तक आप अपना कोई क्वेश्चन डाउट में हो या कोई गलत है तो उस पर रेट लगा सकते हो, ओके। और फ्रेंड्स आपको जब आंसर की आएगी तो सबसे पहले आपको इस चैनल पर इन्फॉर्मेशन कर दिया जाएगा कि आप आंसर की कैसे डाउनलोड करना है और आपको रेट कैसे लगाना है। तो फ्रेंड्स आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपके पास जल्द से जल्द नोटिफिकेशन पहुँच सके। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।